हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान अभी काफी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। एक तो पाकिस्तान की हालत पहले से ही कुछ ठीक नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, और अब वहाँ बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई है, जिसको मैनेज कर पाना पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। वहाँ लोगों को खाना मिलना तक मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में अगर औरतें प्रेग्नेंट हो तो फिर उनके लिए हालात और भी बिगड़ जाते हैं। कहाँ प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, और कहाँ इंसान को खाना मिलना भी मुश्किल हो। हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि उनके लिए सिचुएशन कितनी बुरी है। इसी तरह UNFPA यानी कि UN पॉपुलेशन फंड ने पाकिस्तान में फ्लड से जूझ रहे एरियाज में प्रेग्नेंट औरतों की सिचुएशन को देखते हुए काफी डिसअपॉइंटमेंट शो की है। UN का कहना है कि पाकिस्तान में करीब 650,000 औरतें प्रेग्नेंट है, और ऐसी जगहों पर जहां फ्लड का इफेक्ट काफी सिवर है, इन 650,000 में से करीब 73,000 औरतें नेक्स्ट मंथ बच्चों को डिलीवर करने वाली है और मेटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज की अर्जेंट नीड में है। इतना ही नहीं, UN ने वार्न भी किया कि बहुत सी औरतें और लड़कियां अब जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होने के रिस्क पर है, क्योंकि इस फ्लड में 1,00,000 से भी ज्यादा घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर उन लड़कियों के पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा है, तो उनके इस तरह के क्राइम्स का शिकार होने के चांसेस ज्यादा है। UNFPA ने कहा है कि करीब 73,000 महिलाएं नेक्स्ट मंथ ही डिलीवर करने वाली है, जिसके लिए हमें स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, न्यूबॉर्न केयर और सपोर्ट की जरूरत है। UNFPA ने आगे ये भी कहा कि चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी जैसी चीजें इमरजेंसी या नेचुरल डिजास्टर के लिए वेट नहीं कर सकती, क्योंकि यही वो समय होता है जब एक माँ और बच्चा सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है और उन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। UNFPA के पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि UNFPA पार्टनर्स के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि बच्चे और माँ को बुरी से बुरी सिचुएशन में भी लाइफ सेविंग सर्विसेज मिलती रहे। UN एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 1,000 से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज पाकिस्तान के सिंध रीजन में पार्शली या पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में भी करीब 198 हेल्थ केयर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हुई है। हालांकि पाकिस्तान की ये हालात बुरी जरूर है और सरप्राइजिंग नहीं, एक ऐसी कंट्री जो पहले ही डेब्ट और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, उसके लिए इन जनरल इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स को हैंडल करना मुश्किल ही होता है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है हमें जरूर बताइए, और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।